नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 12 जुलाई सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आषाढ़ कृष्ण की दूज को भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद स्वस्थ हुए, लेकिन इस बार भी कोविड काल के कारण वह शहर भ्रमण नहीं कर पाए। दरअसल पिछले 2 साल से कोविड के कारण भगवान जगन्नाथ की यात्रा शहर में नहीं निकल पा रही है। उज्जैन में खाती समाज एवं इस्कॉन भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं। इसके लिए पुरी के समान ही रथ बनाया जाता है और उस पर बैठकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम भ्रमण पर निकलते हैं। इस बार भी दोनों यात्राओं की तैयारी तो जमकर की गई, लेकिन कोविड काल को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी, लिहाजा मंदिरों में ही पूजन की परंपरा निभाई गई। इस्कॉन मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं ने प्रतीकात्मक यात्रा निकाली। इस दौरान हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाया गया। झूमते नाचते भक्तों ने मृदंग की धुन पर नृत्य भी किया। प्यारो पंडित राघव दास ने बताया कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, आज ही के दिन भगवान स्वस्थ होकर भ्रमण पर निकलते हैं। दुर्भाग्य से कोविड की वजह से शहर में उनका भ्रमण नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम परंपरागत रूप से भगवान का पूजन कर रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए साधु संत आए हैं, ये सभी हमारे मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर पूजन करेंगे। शाम को मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए कोविड की गाइडलाइन के मुताबिक खोला जाएगा। दुर्भाग्य से कोविड की वजह से शहर में उनका भ्रमण नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम परंपरागत रूप से उनका पूजन अर्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसमें कुछ विद्वान, कुछ साधु संत आदि आए हैं और हमारे मंदिर के जो पुजारीगण हैं वो लोग मिलकर भगवान का पूजन अर्चन करेंगे और शाम को दर्शन सभी के लिए कोविड की गाइडलाइन के अनुसार खोला जाएगा। इंदौर रोड स्थित आरकेडी ढाबे पर खाना खाने आए युवकों ने वेटर और ढाबा मालिक की धुनाई कर दी। युवक बिल में ज्यादा रुपए जोड़ने से नाराज थे। मौके पर पहुंचे एफआरवी के पुलिस कर्मियों से भी झूमाझटकी की गई। दरअसल विनय, अनुराग और भावेश नामक युवक अपने 5 अन्य साथियों के साथ रविवार रात ढाबे पर खाना खाने गए थे। इनके हाथ में जब बिल आया तो ये देखकर नाराज हो गए कि मेन्यू में दर्ज भाव से ज्यादा दाम बिल में लगाए गए थे। काउंटर पर बैठे ढाबा मालिक अमोद राठौर के सामने इन्होंने सर्विस देने वाले वेटर मदन सूर्या को चाटा जड़ दिया। ऐसे में अन्य वेटर भी एकत्र हो गए और दोनों पक्षों में मारापीटी शुरू हो गई। इसी बीच एफआरवी भी बुला ली गई। पुलिस कर्मियों ने युवकों को समझाने की कोशिश की तो वह उनसे भी हाथापाई करने लगे। इस बीच कुछ युवकों ने एफआरवी पर पथराव भी कर दिया। नानाखेड़ा पुलिस ने मनकामनेश्वर मंदिर बेगमपुरा में रहने वाले ढाबा संचालक अमोद राठौर की शिकायत पर विनय, अनुराग, भावेश और उनके 5 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अरे आउनी अरे डंडा दो, अरे कौन, अरे डंडा दो तुम, अरे वीडियो कौन बनाए, राजीव नगर चौराहे से खड़े ट्रक से चोर 3 कार्टून चॉकलेट चुरा ले गए। दरअसल आनंद नगर में रहने वाले 25 साल के प्रियांक बैरागी पेशे से ड्राइवर हैं। उसके ट्रक में चॉकलेट के कार्टून भरे थे। राजीव नगर चौराहे पर ट्रक खड़ा कर वह किसी काम से घर गया था। लौटा तो ट्रक की पैकिंग खुली हुई थी और चॉकलेट के 3 कार्टून गायब थे। प्रियांक ने इस संबंध में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। काल भैरव मंदिर के बाद अब महाकाल मंदिर में सांप दिखने से सनसनी फैल गई। हालांकि सांप को भगवान शिव का आभूषण मान श्रद्धालु जयकारे भी लगाने लगे। करीब 8 फीट लंबा यह सांप गणेश हॉल के संगमरमर पर रेंगता दिखा। जमीन पर चलते सांप को देखकर एक बार तो भक्तों में घबराहट फैल गई, लेकिन इसे भगवान शिव का आभूषण बताते ही भक्ति की लहर दौड़ गई। लोग शिव जी और नागराज के जयकारे लगाने लगे। करीब 20 मिनट तक तफरी करने के बाद सांप कोटी तीर्थ कुंड की तरफ चला गया।
गौरतलब है कि काल भैरव मंदिर की चैनल में भी पिछले 4 दिनों से एक काला सांप देखा जा रहा है। हालांकि इस सांप ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इसके दिखने के बाद से दर्शन दूर से कराए जा रहे हैं। राजपूत कल्याण समिति ने 17 साल तक देश की सेवा करने वाले फौजी बलवंत सिंह पवार का राजपूत बोर्डिंग धर्मशाला में स्वागत और सम्मान किया। बलवंत सिंह ने देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया, अब वह मध्य प्रदेश में सेवाएं देना चाहते हैं। पर्वतखेड़ा के रहने वाले बलवंत सिंह पवार फौज से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजपूत बोर्डिंग धर्मशाला में समाज के प्रमुख लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। बलवंत सिंह ने फौज में राजपूताना राइफल्स बटालियन में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था। दंतेवाड़ा के घने जंगलों में भी उन्होंने 3 साल तक स्पेशल टास्क फोर्स में सेवाएं दी। स्वागत सम्मान के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं उपस्थित जितने भी गणमान्य नागरिक है, मेरे प्यारे दोस्तों सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पोस्टेड होने के बाद हमारी पलटन वहाँ से पोस्टिंग 10 तारीख को मूव कर गई है, जो पठानकोट है, और मैं यहाँ पे अपने घर पे सुरक्षित आ गया। इसके लिए मैं सभी से आपका जो मेरा स्वागत यहाँ पे आने के बाद भी मैं गाँव में रखा गया, कलसी के अंदर या पर्वतखेड़ा में रखा गया। और आप जो राजपूत समाज और जितने भी समाज सेवक यहाँ जितने पधारे, सभी ने जो मेरा सम्मान और जो दिया उसके लिए मैं सदैव आपका आभार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की 50 लाख की निधि से बीमा अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। विधायक दिलीप गुर्जर, लाल सिंह राणावत, सुल्तान सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सीएम अतुल, राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, अशोक मालवीय, राजेश धाकर, सज्जन शेखावत, महेश व्यास आदि उपस्थित थे। संचालन सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने किया। स्वागत भाषण एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने दिया। अतिथियों का स्वागत डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमरावत एवं बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने किया। प्लांट एलिमको के सीएसआर फंड से उपलब्ध हुआ है। स्नेह के पंकज मारू ने बताया, प्लांट की मशीन का कंप्रेशर हाई क्वालिटी का है, ये 96% ऑक्सीजन बनाती है। पीएसए यूनिट के बारे में डॉक्टर कुमरावत ने बताया, वातावरण की हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह यूनिट वातावरण से नाइट्रोजन सोख लेती है, जिससे 96% ऑक्सीजन वाली हवा उपलब्ध हो जाती है। डॉक्टर कमल सोलंकी ने आभार जताते हुए बताया कि यूनिट 250 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में बना सकती है। विधायक ने अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की आवश्यकता पर जोर दिया। खालसरोद के खोर नागदा रोड पर रहने वाले संजय नंदेड़ा की 2 भैंस और 1 पाड़ी चोरी चले गई। नंदेड़ा ने भैंसे घर के सामने ही बांध रखी थी, यहीं से रात में कोई बदमाश खोल ले गया। उन्होंने खालसरोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए भैंस की कीमत 50,000 रुपए बताई है। औद्योगिक थाने के इंदिरा नगर बिराखेड़ी में दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर रहवासियों में विवाद हो गया। मामला थाने तक पहुंचा और दोनों तरफ के 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। मंदिर परिसर में वाहन खड़ा करने की बात पर विवाद शुरू हुआ। मंदिर में निर्माण सामग्री डाली जानी थी और वाहन दिक्कत दे रहे थे। इस बात को लेकर संजय नामक युवक ने वाहन हटाने से इनकार करते हुए विवाद किया और जान से मारने की धमकी दी। इस बात से रहवासी नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। थाने में भी जमकर हंगामा हुआ। औद्योगिक थाना पुलिस ने बने सिंह की रिपोर्ट पर भुवान, द्रौपदी बाई, संजय, राजकुमार, विनोद, शुभम और वीरेंद्र सभी निवासी इंदिरा नगर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया है। बहुत परेशान कर दिया, वो भाई बहुत गुंडों के दादागिरी भिड़ा है खूब। भाई बहनों मंदिर है, मंदिर में देवबत्ती करो जाती, बीच रोड पर ऊपर रह जाता, निकलवा देता है, दारू पीने कुलगुला थूकता है। अभी थाने पहुंचे तो क्या सजा दिया? कहीं भी निकल आवेदन बना के दो तुम। हमारे सिर्फ आवेदन पत्र पे साइन कर लियो रखी ली उन्हें, और उनकी FIR लिखी हुई, हमारी FIR लिख के नहीं दी और ना उनका प्रति कार्रवाई की और ना उनके आज तक पकड़ने आया। और जब हम इतना साथ में होते हुए हमारे वहाँ आज सुबह पकड़ना है ये भानु प्रताप सिंह। अच्छा, रिश्वत देते हुए भी देखा हमने, रिश्वत देते हुए भी देखा, रिश्वत देते हुए हम 10 जने के नाबालिग बच्ची उन्होंने देखा पकड़ देते हुए। पहले तो इनकी एक समस्या थी, वो आपस में सॉल्व हो गई थी, इनसे नहीं थी, वो दूसरा व्यक्ति था कोई अर्जुन करके, तो वो कुछ उसका सामान पड़ा था तो हटवा दिया था। अभी क्या है मामला? अभी यही है कि उनका मंदिर पे जो गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं परिसर में, इन्होंने मना किया कि हमारा मटेरियल डलना है, आप यहाँ से गाड़ी हटा लो। इस बात को लेकर वो उसकी मम्मी और 3-4 जने उनके ड्राइवर वगैरह ने गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी।
सबके धारा में मामला दर्ज हुआ है। इसमें ये गाली गलौज और जान से मारने की धमकी में हमला करने के लिए पुलिस ने लिया गया है। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।